निफ्टी फिफ्टी के टॉप अगर लूज़र की बात करें तो वहाँ पे आते हैं सबसे पहले HDFC बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बजाज फाइनेंस, ONGC और हिंदुस्तान लीवर। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर की बात करते हैं तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विप्रो, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें जो तीन इसमें बैंकिंग सेक्टर है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में अभी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि आने वाले समय में किसमें कैसी उम्मीद है, किसमें बाय करनी चाहिए, किसमें होल्ड है और किसमें अभी सस्पिशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरुआत करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर स्टेट बैंक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन जो RSI है, ग्रीन लाइन जो 12 दिन यानी 12 दिन का मूविंग एवरेज है और ये रेड लाइन 21 दिन का मूविंग एवरेज है। तो बात करते हैं अगर RSI के तो आप देखते हैं RSI का लेवल 88 निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन पे है, यहाँ से गिरने को मिल सकता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी 330 से काफ़ी अच्छी एक रैली 430 को हमें देखने को मिला है। बैक टू बैक थोड़े से पुल बैक के साथ इसने लगातार ही एक तेज़ी दिखने को दिया है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर इसमें हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं 21 डे का जो मूविंग एवरेज के ये ऊपर अभी जैसा कि ये है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसका भी बुलिश जो सेंटीमेंट है वो भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप शॉर्ट पीरियड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसने 12 डेज यानी 12 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल उसके ठीक करीब करीब चल रहा है। तो ऐसे में आप तो बाय किए हुए हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नया बाय करना चाह रहे हैं तो आपको फ्रेश बाई जब तक एक नीचे की तरफ पुल बैक ना मिले तब तक आपको रुकना चाहिए। इसलिए कि ये दोनों लाइन जब सेम चल रहा है यानी कि ये कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है, तो ऐसे में जब दोनों लाइन बिल्कुल करीब करीब है तो यहाँ से एक अजीबोगरीब कन्फ्यूजन है, ये डिसीजन इसमें क्लियर नहीं है कि क्या है नहीं है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि अगर आपने बाई किया है तो आप 419 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, आगे की उछाल को अगर आता है तो एंजॉय करें। अगर आप नए हैं तो आप फिर से एक बार वेट कीजिए कि ये जो है 73 डेज जो RSI इसका निकल के आ रहा है, जो ये जो 21 डेज का मूविंग एवरेज है उसके आसपास एक RSI आए और यहाँ से एक वापस ऊपर की तरफ अगर क्रॉस ओवर दे, वापस छोटे से मूविंग एवरेज जो 12 दिन का है उनको क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाए तो आप इसमें एक बाई करें, अन्यथा अभी अगर बाई किए हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप इसमें बने रहें और नए बाई करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही हम अलग अलग स्टॉक का एनालिसिस हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे।